गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड अरिथमेटिक मीन, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर. इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए, बट ज़्यादा 5 मार्क्स के लिए पूछा गया. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसके फॉर्मूला बनाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं. तो क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में लूंगा, अब इसी बताने वाला हूँ. क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखो तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसे रीडिंग्स दी रहेगी 4, 5, 3 कुछ भी, A1, A2, A3, A4, दीज आर द रीडिंग्स. ठीक है, कितने भी रीडिंग्स हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी. तो ऐसे रीडिंग्स दी होगी, फिर तुम्हें इसका मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसका एब्सोल्यूट एरर, मतलब वो जो रीडिंग है उस रीडिंग में एरर है, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है. फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, हम रीडिंग नोट कर दें, ठीक है, स्केल से हम 1.5 सेंटीमीटर नोट करते हैं और कट करके 1.5 निकालते हैं, पर एक्चुअली वो होता है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर कम हो गया, तो वो एरर है. तो एरर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मेरे पास कुछ रीडिंग्स है, कंसीडर A1, A2, A3, ... बी द रीडिंग्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, सबको जितनी भी रीडिंग्स दी है सबको प्लस करो और उतने नंबर से डिवाइड कर दो. तो मीन निकालता हूँ, ए मीन इज इक्वल टू, चलो A1 + A2 + A3 + ... तो डिवाइड बाय एन, ये हो गया मीन तुम्हारा. ठीक है, ठीक है, अगर सिर्फ 3 ही होते हैं, A1, A2, A3 होते हैं, तो हम कैसे करते हैं, ए मीन इज इक्वल टू A1 + A2 + A3, कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे n वैल्यू इसलिए n से डिवाइड, तो ऐसे मीन निकालते हैं. ठीक है, ये हो गया अरिथमेटिक मीन. हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे, तुम्हारे पास रीडिंग्स थी A1, A2, A3, तो इसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, मान लो A1 का निकालना है. ठीक है, तो डेल्टा A1 इज द एब्सोल्यूट एरर इन A1, कैसे करना है, AM - A1, AM मतलब मीन, AM तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और AM इज इक्वल टू A1 + A2 + A3 ... डिवाइड बाय n, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मीन या AM दोनों का मतलब सेम है. तो A mean - A1 ये तुम्हें मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर, किसके मॉड में लेने का, मॉड इसलिए कि हमें कोई डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. तो A2 का कितना होगा, A2 इज इक्वल टू AM - A2, तो ऐसे ही करके हम किसका निकालेंगे, डेल्टा AN क्या होगा, AM - AN. तो मैं बोल सकता हूँ जो मीन वैल्यू आएगा उसमें से A1 को माइनस करूँगा तो मुझे एब्सोल्यूट एरर किसका मिलेगा, A1 का. A2 का मीन्स डेल्टा A1 इज़ अ एब्सोल्यूट एरर इन A1, डेल्टा A2 इज़ अ एब्सोल्यूट एरर इन A2, उसी तरह एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं. अब हमें चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे एक वर्ड आ गया मीन, मीन का मतलब होता है समेशन. चलो तो मीन एब्सोल्यूट डेल्टा AM इज अ मीन, डेल्टा इज अ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, अब सब डेल्टा वाले को प्लस करना है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस .. डेल्टा AN, मीन मतलब 1, 2, 3 n है, इसे डिवाइड बाय n, ये हो गया तुम्हारा मीन
एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब आते हैं रिलेटिव एरर पे, किस पे आते हैं रिलेटिव एरर, कैसे निकालते हैं ये मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन एरर, मीन एरर, मीन एरर का मतलब अरिथमेटिक मीन एरर इसका, ठीक है। तो वहां पे आते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, कौन है तुम्हारा, डेल्टा एम डिवाइड बाय एब्सोल्यूट एरर, मीन कौन है एम, ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव एरर। क्या हो गया, तो मैं सिर्फ ये बॉक्स वाले फॉर्मूले पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू ये जो है परसेंटेज एरर, सॉरी, तो परसेंटेज एरर निकालना है इज इक्वल टू जो भी रिलेटिव एरर है इनटू 100 कर दो, तो रिलेटिव एरर इनटू 100 यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर, देखो क्या है, डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, दिस इज योर परसेंटेज एरर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मीन एरर निकाला, जिसे अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, इसे मीन एरर भी कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, ऐसे निकालते हैं, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सबको प्लस किया डिवाइड बाय एन, उसके बाद रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एम अपॉन एम, परसेंटेज मतलब रिलेटिव एरर को इनटू 100 कर दो, मतलब परसेंटेज एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, इसके ऊपर मैं सम सॉल्व कर दूंगा 5 मार्क्स का, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।